ये है यूपी के 6 सबसे खास मंदिर जहां हर मनोकामना होती है पूरी। हर मंदिर के चमत्कार की पूरी जानकारी लेना हो तो बस इस वीडियो को देखिए। पूरी दुनिया घूमने से अच्छा है अपने प्रदेश के ही सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में हाजिरी लगा ली जाए। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश कई मायनों में बहुत खास है। यहाँ भगवान श्री राम की तप स्थली भी है और महादेव की काशी भी है। माता सती के 9 रूपों में एक माँ पाटन देवी का मंदिर भी है तो माँ शाकंभरी देवी का शक्तिपीठ भी है। यूपी में ही वह स्थान है जहाँ ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। पारसनाथ का जन्म स्थान भी है तो माँ विंध्यवासिनी का धाम भी है। इस वीडियो में हम आपको आज यूपी के 6 बेहद खास मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां दर्शन करने के बाद आपकी किस्मत बदल सकती है, आपका जीवन बदल सकता है और प्रभु दर्शन की आस भी पूरी हो सकती है। नंबर 1 से शुरू करके हम नंबर 6 तक की सूची आपको बता रहे हैं। नंबर 6 पर हम आपको वह मंदिर बताएंगे जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह मंदिर सबसे खास है। हमारी सूची में नंबर 1 पर है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी को पुराणों में महादेव की नगरी बताया गया है। सावन माह में यहाँ पूरी दुनिया से भक्त बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। काशी में गंगा नदी के तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। काल भैरव की यह नगरी सप्तपुरियों में शामिल है। 2 नदियों वर्णों और असी के बीच बसे होने के कारण इस स्थान का नाम वाराणसी पड़ा। काशी के संकट मोचन और दुर्गा के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। यमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पवित्र शहर मथुरा में स्थित है। यह जेल की कोठरी के चारों ओर बनाया गया है जिसमें भगवान कृष्ण के माता पिता माता देवकी और वासुदेव कंस माँ द्वारा कैद किए गए थे। मथुरा में चामुंडा देवी मार्ग पर स्थित चामुंडा देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि माँ गायत्री तपोद के सामने स्थित जहाँ ये मंदिर है वहाँ माँ गायत्री का एक बाल गिर गया था जिसकी वजह से इस मंदिर का निर्माण करने का फैसला लिया गया। कहा जाता है कि शांडिल्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और श्री गोरखनाथ ने भी यहीं ज्ञान प्राप्त किया था। नंबर 3 पर आता है राम जन्मभूमि मंदिर। राम जन्मभूमि मंदिर एक प्रसिद्ध एवं पौराणिक मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। राम जन्मभूमि के पवित्र तीर्थस्थल पर पुनः नए स्वरूप से भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि राजा राम का जन्म स्थान है जिन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। यहाँ भगवान राम का रामलला रूप विराजमान है। नंबर 4 पर है चित्रकूट का रामघाट और कामतानाथ मंदिर। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थस्थलों में से एक है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट विशेषकर रामघाट और कामतानाथ मंदिर में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। अमावस्या के दिन यहाँ विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर जन्म लिया था। नंबर 5 पर है माँ विंध्यवासिनी धाम। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे माता विंध्यवासिनी का पवित्र धाम है। माँ विंध्यवासिनी को महामाया या योग माया माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती हैं, जहाँ स्वयं माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी विंध्यवासिनी के रूप में अष्टभुजी अर्थात महासरस्वती और काली खोह स्थित महाकाली के रूप में विराजमान हैं। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। नंबर 6 पर है शाकंभरी देवी शक्तिपीठ। शक्तिपीठ शाकंभरी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में स्थित एक महाशक्तिपीठ है। ब्रह्म पुराण में इस पीठ को सिद्धपीठ कहा गया है। अनेकों पुराणों और आगम ग्रंथों में यह पीठ परम पीठ शक्तिपीठ सतीपीठ और सिद्धपीठ नामों से चर्चित है। यह क्षेत्र भगवती सताक्षी का सिद्ध स्थान है। इस परम दुर्लभ तीर्थ क्षेत्र को पंचकोसी सिद्धपीठ कहा जाता है। भगवती सती का शीश इसी क्षेत्र में गिरा था, इसलिए इसकी गणना देवी के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में होती है। उत्तर भारत की 9 देवियों की प्रसिद्ध यात्रा माँ शाकंभरी देवी के दर्शन बिना पूर्ण नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।